लखनऊ और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में हमें बड़ा ड्रामा देखने को मिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज गुजरात और लखनऊ के बीच इकाना के मैदान पर मुकाबला खेला गया, जिसमें हमें रोमांस, थ्रिल, ड्रामा सब कुछ देखने को मिला। जहां इस मैच में लखनऊ को 6 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी और गेंदबाजी कर रहे थे मोहित शर्मा, को केआर राहुल ने पहली गेंद पर 2 रन ले लिए, लेकिन अगली गेंद पर वो जयंत यादव के हाथों कैच आउट हो गए। अब लखनऊ को 4 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी करने आए स्टोकनस तीसरी गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए और अगली गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में आयुष भदौनी रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। अब 2 गेंदों में चाहिए थे 9 रन और बल्लेबाजी करने उतरे दीपक हुड्डा भी 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए, लेकर लखनऊ का सूपड़ा साफ कर दिया और आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई कुछ नहीं कर पाए और गुजरात ने यह मुकाबला 8 रनों से अपने नाम कर लिया।